उनकी बड़ी हिस्ट्री है, कहाँ से आई, किस तरीके से आई। हर कल्चर कलर्स के साथ कुछ काम करता है अर्लीस्ट स्टेजेस में। आप देखें, ये एक डॉक्यूमेंट्री अभी मैं देख रहा था DW की है, न्यांडरथल्स के, वो जो हमारे हमसे होमोसेपियन से पहले के जो इंसान थे जो ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनमें भी आर्ट रूडिमेंट्री फॉर्म में मौजूद थी। बाकी होमोसेपियन की तो आर्ट की तो आपको केव्स में इधर उधर कलर्स के साथ और ये सारी चीज़ें सब मिलेंगी। तो आर्ट इज़ फंडामेंटल कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस चीज़ को एक मिनट के लिए साइड पर रखते हैं कि ये फंडामेंटल कंडीशन क्यों है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एस्थेटिक्स, इट्स ए ग्रीक वर्ड, एस्थेटिसाई से निकला। एस्थेटिसाई का मतलब है टू परसीव। और सबसे ज़्यादा विजुअल परसेप्शन, देख कर जो रिस्पॉन्स होता है परसेप्शन। ये जो हमारा सेंस हैं, पांच सेंसेस, टच, स्मेल, टेस्ट और छूण, सूंघना, ये तो ये इनको कहते हैं कलेक्टिवली सेंस परसेप्शन। यानी वो इन्फॉर्मेशन या वो चीज़ जो हमारे सेंस से आती है हमें। तो एस्थेटिक लफ्ज़ की जो बुनियादी मतलब है उसका ये है कि परसेप्शन, जितने भी लफ्ज़ हैं ये आज जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं वो तारीख में इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होते थे। उन लफ्ज़ों की हिस्ट्री होती है ख़ुद, और लफ्ज़ों की हिस्ट्री बताती है कि ये उन लफ्ज़ों ने क्या क्या नई नई शक्लें अडॉप्ट की हैं। जैसे हम आज लफ्ज़ विलेन इस्तेमाल करते हैं फिल्मों में, होता है भाई विलेन का मतलब है कि गुंडा, जो अच्छा आदमी ना हो। लेकिन विलेन लफ्ज़ विला से निकला है, विला इज़ अ लैटिन वर्ड, विला उस जागीर को कहते थे जिसमें एक रोमन पेट्रार्क जो था उसकी जागीर होती थी, और उस जागीर में जो गुलाम और बाकी जो लोग होते थे वो काम करते, जिसको हम आज के दौर में पेजेंट्स या हारी या मजारे कहें, उनको कहते थे विलेन, जो आम लोग थे, जो हारी बेचारे होते थे उसको। आज भी हम अच्छे आदमी को शरीफ कहते हैं, शरीफ अरबी में अपर क्लास के लोगों को कहते हैं, उसको उर्दू में अशराफिया कहा जाता है। यानी अच्छे इंसान को, यानी अपर क्लास के इंसान अच्छे होते हैं, वो शरीफ ही होंगे, अशराफ। तो लफ्ज़ों की एक हिस्ट्री होती है, जिस तरीके इस तरीके से एस्थेटिक लफ्ज़ जो आज इस माना में इस्तेमाल होता है वो उस माना में शुरू में नहीं होता था। आज जिस माना में होता है इस्तेमाल, वो होता है इज़ अ फिलासफी ऑफ परसेप्शन ऑफ ब्यूटी। हाउ वी परसीव ब्यूटी, इट्स अ थियोरी ऑफ परसीविंग ब्यूटी। सूंह के ॾिसण जो या परखण जो फ़लसफ़ो, या ॿिनि लफ़्ज़नि में चऊं सूंह फ़लसफ़ो। अब सूंह लफ़्ज़ का उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकते, अगेन आ गई ख़ूबसूरती, सूरत से निकला है ख़ूबसूरत। सूंह आपकी सिर्फ सूरत नहीं होती, सिंधी लफ्ज़ है सूंह, हाँ उन्हें तर्जुमो नथा कर सको शायद, उर्दू में नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो फारसी लफ्ज़ है ख़ूबसूरत तो वो है सूरत की अच्छाई, सूं इज मोर देन खूबसूरत। खूब मीन्स वेल गुड, खूब इज वेल गुड, वो फारसी लफ्ज है खूब बना वेल गुड। आप पर लफ्ज खूबसूरत गल है ना, खूब मना गुड, सूरत मीन्स शक्ल, कंपाउंड है। हाँ लफ्ज़ यही घना ही ठंड है। खूबसूरत मीन्स उसके लफ्ज़ की मतलब ये है कि ब्यूटीफुल फॉर्म या शक्ल या सूरत। लेकिन जो सूंह लफ्ज़ आए उनमें वो खाली सिर्फ शक्ल या सूरत न है, वो अंदर ही सूंह थी सके थी, और अंदर ही का शक्ल तो कौन दिनी है मानो इंसान के अंदर की, हम कहते हैं उर्दू में खूबसूरती, लेकिन सिंधी में जो अंदर ही सूंह है, सोच जी सूंह हाँ सोच जी का शिकिल तो कौन दिनी है, इखला की सूं है और इखला की का शिकिल तो कौन दिनी है,
लाइकवाइज द वर्ड आर्ट जो है ये लैटिन से निकला है और उसका जो रूट वर्ड है वो है AR, इसका मतलब है टू पुट थिंग्स टुगेदर, माशेन के गदायण सहन एक जगह रखना जोड़ना। 13th सेंचुरी तक ये लफ्ज जो है आर्ट जिसको हम कहते हैं ये उस माना में इस्तेमाल नहीं होता था जिस माना में आज इस्तेमाल हो रहा है। आई एम ट्रेसिंग द हिस्ट्री क्योंकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि लफ्ज किस तरीके से ट्रेवल करता आज किस शक्ल अख्तियार। इट वॉज हर उस चीज को कहते थे जिसको आप कोई सीखते हैं स्किल या जो चीज प्रैक्टिस की बुनियाद पे सीख जाते हैं जिसको हम दस्तकारी या हुनर कहते हैं, समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस उसको हम कहते थे आर्ट। 13th, 14th, 15th सेंचुरी तक आर्ट का मतलब ये था। अनदर सेंस यू कैन से प्रैक्टिकल स्किल, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, तैरना, तीर चलाना, घोड़े सवारी, प्रैक्टिकल स्किल जो होते हैं इट्स लाइक इनके लिए इस्तेमाल होता था आर्ट। ये लफ्ज जो है ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में 15th सेंचुरीज ऑनवर्ड इसकी एक नई माना इस्तेमाल हुई। ये लर्निंग और एकेडमिक लर्निंग और स्कॉलरशिप शऊर वाली शक्ल इसने वो लफ्ज ने अडॉप्ट की, इसी वजह से आज भी बैचलर्स ऑफ आर्ट और मास्टर्स ऑफ आर्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है। उस आर्ट हो ना हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो मास्टर्स ऑफ आर्ट हो गई, पॉलिटिकल साइंस और आर्ट सोशोलॉजी की मास्टर्स और बैचलर्स ऑफ आर्ट जो होते BS बैचलर्स ऑफ साइंस अभी हो रहा है। तो जो आर्ट का जो लफ्ज़ है तो उस लफ्ज आर्ट जो है वो आज तक उस माना में इस्तेमाल होता है BA और MA वाले साहब में, क्योंकि उसने वो लफ्ज़ एक पर्टिकुलर आर्ट की जो माना थी वो एक्सटेंड हुई और इस्तेमाल होना शुरू किया। जो लफ्ज़ बैचलर है ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी लैटिन से आया है, लफ्ज़ का मतलब है एक होता है ना नाइटहुड का तस्वर है जो वहाँ पे जिसको जोधा पहलवान वो अंग्रेज बादशाह के साथ नाइट्स होते थे, जो बादशाह के जो आप जनरल समझें या उसके कप्तान समझें या तो एक जिसको सर का खिताब मिलता था। इस पे बहुत सारी अंग्रेज़ी फिल्में भी बनी हुई हैं नाइट्स पे और उन पे। तो पहले क्या होता था कि एक बंदा जब नाइट हो रहा होता था और वो क्या होते थे वो ज़्यादातर फ्यूडल और जागीरदारों की औलाद होती थी, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता था नाइट बनने के लिए क्योंकि वो बादशाह की कोर्ट का और बादशाह के उसका जो हल्का होता है उसका अहबाब का मेंबर बन जाएगा, उसका बॉडीगार्ड होगा, तो फिर वो नाइटहुड अदाब और घोड़सवारी और तीरंदाजी और तलवारबाजी और सारी चीज़ों को सिखाई जाती थी। तो जब नया बंदा उनको वो आता था वो सीखने के लिए इन ऑर्डर टू बिकम अ नाइट तो उसको कहते थे बैचलर यानी नोवाइस, नोवाइस नाम जिसने जो अभी पार्ट वन में दाखिल हुआ है यानी अभी नया नया जिसको रिक्रूट कहते हैं फौजी रंगरूट पान सिंधी में चले। तो बैचलर का मतलब ये है, तो ये लफ्ज एक बैचलर वहाँ से आया। अब आर्ट का बैचलर यानी जो अब लर्निंग को सीखने की शुरुआत की इसने, कोई भी पर्टिकुलर लर्निंग को सीखने की, तो वो बैचलर ऑफ आर्ट हो गया। अब आपने वहाँ पे डिग्री मिल गई तो आपको आप बैचलर्स ऑफ आर्ट हो गए यानी आपने सीख ली ये चीज़। तो ये यहाँ से ये लफ्ज़ जो है शुरुआत आर्ट अभी तक उस माना में उस टाइम तक इस्तेमाल नहीं हुई जिस माना में हम आज लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि आर्ट का मतलब क्या। 16th सेंचुरी में जो है लफ्ज़ आर्ट जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, वो चीज़ जो इंसान ने बनाई क्रिएटेड बाय ह्यूमंस इज कंट्रास्ट टू समथिंग विच इज गिवन बाय नेचर। इस सेंस में आर्ट अभी तक इस्तेमाल होता है लफ्ज जिसको हम कहते हैं आर्टलेस और आर्टफुल, अंग्रेजी में लफ्ज आज भी इस्तेमाल होते हैं। वो आर्टलेस का मतलब होता है वो बंदा जो टैक्टलेस होता है, साधो मानो उसको चीज़ों को करने का तरीकेकार नहीं आते तो नहीं आता, उसको कहते हैं आर्टलेस। और आर्टफुल बंदा इस्तेमाल होता है
कनिंग के तौर पे हरफत बाजी हरफत अबे तो हथई शे ठहने नालो है तो कनिंग वाले सेंस में इस्तेमाल था जिसको चीज़ों को करने का तरीकेकार हो तो आर्टफुल और तरीके से तो आर्ट का मतलब माना है कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल चीज मींस इंसान की बनाई हुई ह्यूमन वर्कमैनशिप एज अपोज टू थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है और इस चीज़ को आप जहन में रखें, इस पर आगे बात होगी कि आर्ट और उस इंसान की बनाई हुई चीज़ का नाम आर्ट क्यों है। 1660 में यानी 1660 में ये आर्ट जो लफ्ज़ है वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल शुरू होना हुआ जिसको हम आज क्रिएटिव आर्ट्स कहते हैं, यानी जो ये जो आर्ट्स हैं जिसको हम आज तख्लीकी फन और आर्ट कहते हैं। तो ये जो मॉडर्न दौर में जिसको हम कहें कि यानी मॉडर्न दौर से थोड़ा पहले 17th सेंचुरी से 17वीं सदी में लफ्ज़ आर्ट जो है वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ है जिस चीज़ को हम आज आर्ट समझते हैं। जर्मन जो लफ्ज़ है वो आर्ट के लिए कुंस्ट और फाइन आर्ट्स के लिए कहते हैं शोने कुंस्ट। ये जो फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट लफ्ज़ है ये जर्मनी से निकला है, फाइन उसके साथ लग गया, जर्मन में फाइन को कहते हैं शोने, शोने कुंस्ट मीन्स फाइन आर्ट। और कुंस्ट लफ्ज़ निकला है, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये लैटिन फ्रेंच और अंग्रेज़ी से आ रहा है आर्ट का ये तस्वर, ये जो जर्मन है उसमें जो लफ्ज़ कुंस्ट है उसका जो रूट है वो कनन है, कनन मीन्स टू नो, ज्ञान, टू नो समथिंग, इश्कन मीन्स आई नो, इट्स लाइक दिस। ओके, सो ये तो एक बैकग्राउंड था कि भाई आर्ट लफ्ज़ कहाँ से आया, और एस्थेटिक्स इज नॉट फिलासफी ऑफ आर्ट, एस्थेटिक्स इज द फिलासफी ऑफ द अफेक्ट आर्ट हैज ऑन यू, एस्थेटिक्स इज द फिलासफी ऑफ एक्सपीरियंस यू अंडर गो वेन यू एंगेज विद आर्ट। यानी वो उस चीज़ की थियरी एस्थेटिक्स, इट्स नॉट थियरी ऑफ आर्ट पर से, इसमें आर्ट डिस्कस होगी ज़रूर लेकिन वो थियरी ऑफ आर्ट नहीं है खुद से। एस्थेटिक्स जो है वो है कि जब आप आर्ट से एंगेज करते हैं तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं। सो एस्थेटिक्स इज अबाउट द एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस व्हेन यू एंगेज विद आर्ट। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर हम मौलवियों की बात माने तो ये डिपार्टमेंट तो पहले दिन बंद हो जाए, क्योंकि जो उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप आपका जो आर्ट का एक्सपीरियंस है वो अच्छा है बुरा है हलाल है हराम है इस पे बहुत सारे नुक्ता नज़र मौजूद है दुनिया में। अब आप आर्ट से एंगेज करते हैं तो कुछ तो होता है ना इंसान को, जैसे बच्चा म्यूज़िक सुनता है तो नाचना शुरू हो जाता है, अगर हम यहाँ पे नाचेंगे औरतें नाचेंगी तो क्या बदतमीज़ लोग हैं बदअखलाक लोग हैं लड़कियाँ बैठी, यानी ये जो नुक्ता नज़र आ गया हमारे आर्ट के एक्सपीरियंस पे है कि जब हम आर्ट से एंगेज करते हैं तो हम एक तजुर्बे से गुजर रहे होते हैं, कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस एक्सपीरियंस पे बहुत सारी थियोरीज हैं, बहुत सारे नुक्ता नज़र हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक जो इंडिया में भी रहा लेकिन मैं वेस्टर्न से पहले बात रखूँगी, बात लंबी हो जाएगी एंड ये एक लंबी डिबेट है, आई एम लिमिटिंग माय टॉक ऑन ओनली टू और थ्री थिंकर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट है जो बहुत अहम है उन पे बात होगी। एक होगी क्लासिकल पीरियड में, एक मॉडर्न दौर में, एक कंटेम्प्रेरी दौर में, दो तीन थिंकर्स। प्लेटो जैसे हमारा चाणक्य था, उसने अर्थशास्त्र लिखी थी बुक, मैंने साइंस ऑफ सोसाइटी जिसको हम कहें, इस तरीके से हमारा नटशास्त्र भी है यानी ड्रामेटिक आर्ट पे कि ड्रामेटिक आर्ट कैसी होनी चाहिए, सारी किताबें ग्रामर पे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा काम हो, और आर्ट जिसको कला कहते हैं वो हमारा जो सब कॉन्टीनेंट है इंडियन सब कॉन्टीनेंट उसकी फॉर्म ऑफ रिलीजन ही आर्ट है। अर्लियर जितने भी रिलीजन हैं मजाहब हैं वो आर्ट फॉर्म में थे। At that time, religion and art were not two separate things. एक ही चीज़ थी, उसका एक रीज़न है।
वो रीजन हम जब हेगल पे बात करेंगे तो तब पता चलेगा कि आर्ट और रिलीजन क्यों ज्वाइन थे और आज क्यों ज्वाइन नहीं है, एक सेंस में है एक सेंस में नहीं भी है। प्लेटो की बिल्कुल थोड़ी सी बात नटशेल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप डिबेट। प्लेटो आप नाम सुना होगा फ्लाटो, उसने कहा था कि भाई यार ये जो लिरिकल पोएट्स हैं शायर वायर ये निकाल दो। उसने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, जो आज भी नाम इस्तेमाल रिपब्लिक होता है ये थैंक्स टू प्लेटो। इस्लामिक रिपब्लिक और फ्रेंच रिपब्लिक और इंग्लिश रिपब्लिक लफ्ज़ है, ये 3,000 से 2,500 साल पुराना लफ्ज़ है, प्लेटो की बुक से आता है। रिपब्लिक में उसने कहा था कि शायर हजरात जो हैं वो चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ जो जो हुक्मरान हैं रिपब्लिक के, यानी जो होंगे, उसने जो आइडिया पेश किया था उनकी, वो जो बताएं उन पर शायरी करें, बाकी दूसरे शायरों को रिपब्लिक से बैन कर दो, ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये लोगों को भिलाते फुसलाते हैं, लोगों को अपनी तरफ मायल कर देते हैं, वो जो जो काम लोगों को करने चाहिए वो लोग नहीं करते, ये बुनियाद इन अदर सेंस ये इमोरल हैं, ये खुदाओं को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं जिस तरीके से खुदाओं को पोर्ट्रे नहीं किया जाना चाहिए। यानी शायरी जो आर्ट का एक फॉर्म है, उसका जो असर पड़ता है इंसान पे, बहुत असर पे बात हो रही है, एक्सपीरियंस पे, कि वो जो एक्सपीरियंस लोग जब ये शायरी सुनते हैं तो वो भटक जाते हैं, इस वजह से ये शायरी नहीं होनी चाहिए। तो प्लेटो का ये फेमस फार्मूलेशन है, उसने कंडेम किया था पोएट्स को, कुरान में भी कंडेम किए। जो रिलीजन है हमारे तीन बड़े, जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, उस पर प्लेटो का थ्रू प्लेटोनियस बहुत बड़ा असर है, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा असर, जिसको लोग कम समझते हैं, लेकिन बेसिक जो फार्मूलेशंस हैं तसव्वुफ की भी और हमारे रिलीजन के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ज़्यादा, वो प्लेटो से आते हैं बहुत ज़्यादा। शायरी इस्लाम में जायज़ है लेकिन हमद और सना और नात और मौलूद की सूरत में, प्लेटो ने भी कहा था। लिरिकल पोएट्री और रोमांटिक पोएट्री और लव पोएट्री और ये पोएट्री, ये जायज़ है। अच्छा, यानी एक एक बुनियादी चीज़ थी, क्या था क्यों था, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, बिकॉज प्लेटो वॉज अ फिलोसोफर, उसकी आर्ट से क्या दुश्मनी थी, उसका एक हिस्टोरिकल रीज़न है, क्योंकि ये लोगोज और मिथोस का झगड़ा है, इस पर डिबेट अलग हो जाएगी। देन केम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पहला आर्ट थियोरिटिशियन है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसने आर्ट में वैल्यू देखा। आर्ट में वैल्यू तो प्लेटो ने भी देखा, लेकिन उसने वैल्यू को नेगेटिव करार दिया कि भाई आप से जब आर्ट से इंगेज करते हैं तो आप पे असर पड़ता है, वो सब नेगेटिव है। यानी आर्ट का वैल्यू तो है, यानी आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें कदर है, वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव। यानी मैं अगर इसकी पी रहा हूँ, वैल्यू तो है, कदर है ना, मुझे नशा आता है, बाबा ये वैल्यू उसका नेगेटिव है। तो ये कदर आर्ट का जो है, जो वैल्यू लोकेट करना किसी भी चीज़ का, ये बहुत अहम होता है। जब आप उस चीज़ का वैल्यू लोकेट करेंगे तभी आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लैंग्वेज की बात हुई, अगर हम लैंग्वेज है क्या, उसका जो वैल्यू लोकेट होगा कि उसका वैल्यू क्या है, तभी हम लैंग्वेज को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे गधे का वैल्यू लोकेट होगा, रक्षे का वैल्यू लोकेट होगा, वो नहीं जो गधे वाला और रक्षे वाला कर रहा। तो व्हेन यू लोकेट अ वैल्यू ऑफ अ थिंग, देन इट्स पॉसिबल टू टॉक अबाउट द थिंग। तो जो लोकेट वैल्यू फुल सेंस में किया, उस पर कोई बुक लिखी, ही वॉज एरिस्टोटल, उसकी आर्ट्स पोएट्री का नाम, यानी पोएटिक आर्ट्स, पर पोएट्री यानी शायरी नहीं है। सारे लिटरेचर को, बेसिक आर्ट्स को, ड्रामा भी आता है उसको पोएजी कहते थे, पोएट्री वॉज अ वास्ट वर्ड। अभी जो पोएट्री है वो सिर्फ शायरी के स्तर, वो उसकी वो माने, पूरा लिटरेचर वॉज पोएट्री। एरिस्टोटल ने कहा कि भाई शायर जो हैं वो रिपब्लिक में अच्छा काम करते हैं, इन कंट्रास्ट टू हिज टीचर प्लेटो। उसने पोएट्री को बैन नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि शायर निकल जाए, उसने कहा कि शायर अच्छा काम करते हैं। शायर क्या अच्छा काम करते हैं कि वो लोगों को जब वो शायरी सुनते हैं, अच्छा शायरी बुनियादी तौर पर बोलने के लिए होती है, आवाज़ बुलंद करके पढ़ने के लिए, सुनने के लिए होती है, किताब फॉर्म में तो भी आई,
और ड्रामा भी जो है वो यही है कि लोग देखें, यानी ये उस दौर के आर्ट के फॉर्म्स हैं जिस दौर में ये किताब और लिखना पढ़ना नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो इलिटरेट होते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन ओरल लिटरेट तो हैं, हर कोई अपनी ज़बान बोलता है, समझ रखता है। तो अगर आप वो शायरी, जैसे शालतीब ने राग का सिस्टम इजाद किया और सारा, क्योंकि लोग सुन सकते हैं, कान तो एजुकेटेड है ना हमारे, हाथ एजुकेटेड भली ना हो, अवर ईयर्स कैन हैंडल एटलीस्ट वन लैंग्वेज और माउथ्स कैन हैंडल वन लैंग्वेज, हमारे हाथ ना लिख सके वो ज़बान वो अलग चीज़ है, स्कूल नहीं गए, दैट्स अनदर इशू। तो ड्रामा जो था वो भी लोग देखते थे, सुनते थे। तो आर्ट जो है वो कैथार्टिक है, एरिस्टोटल ने किया कि जब, यानी उसका जो इफेक्ट है, जब आप ड्रामा सुनते हैं, पेंटिंग देखते हैं, शायरी सुनते हैं, तो आप के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस पेंट अप होते रहते हैं, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स अंदर जो जमा होती रहती हैं, तो उनकी वो आर्ट जो है परगेशन कर देती है, फ्लश आउट कर देती है आपके वजूद को नेगेटिव चीज इमोशन से, नेगेटिव सोचों से। तो उसको अरिस्टोटल ने नाम दिया था कैथारसिस। तो अरिस्टोटल ने आर्ट का वैल्यू देखा कि आर्ट कैथार्टिक है। आज तक हम कमोबेश आर्ट का यही मकसद समझते हैं, ड्रामे का, सॉन्ग का, गीतों का, इन चीज़ों का, लेकिन ये चीज़ गलत है। अरिस्टोटल के बाद बहुत ज़्यादा दुनिया में काम हुआ, लेकिन क्योंकि हम आर्ट जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, इट इज एस्थेटिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी, हमारे जो तजुर्बे होते हैं वो आर्ट से बहुत ही कम आते हैं। थ्रू आर्ट हम तजुर्बा जो एक्सपीरियंस, थ्रू ब्यूटी जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस में बहुत ही कम एक्सपीरियंस होते हैं। बाकी एक्सपीरियंसेस हमने बड़े किए हुए हैं सोसाइटी में बहुत सारे, लेकिन एस्थेटिकली डिप्राइव्ड लोग हैं, यहाँ पे एस्थेटिक्स नज़र नहीं आती। ब्यूटी का तजुर्बा, ब्यूटी लेटर्स की हो, कलर्स की हो, ब्यूटी साउंड की हो, ब्यूटी डांस की हो, हमारी सोसाइटी में ये तजुर्बे बहुत ही कम हैं, वेरी रेयर। तो उस वजह से हमारे अंदर जो कंडीशन है वो एस्थेटिकली डिप्राइव्ड, एस्थेटिक डिप्राइवेशन, और इसको मौलवी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अरस्तु ने फाइंड किया वैल्यू, प्लेटो ने भी फाइंड किया, लेकिन वैल्यू को नेगेटिव करार दिया। अरस्तु ने वैल्यू फाइंड किया और उसको कहा कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव चीज़, ये लोगों को जो है वो परगेशन कर रही है, वेंटिलेट कर रही है लोगों को, और ये आर्ट होनी चाहिए। फिर उसने आर्ट के क्या फॉर्म्स हैं, आर्ट की क्या शक्लें हैं, क्या सिंफ हैं, उस पर उसने पूरी बुक लिखी, और उसने क्रिटिसिज्म पे भी किताब लिखी, यानी क्रिटिक भी था, आर्ट का क्रिटिक, यानी शुरुआत हुई। चलें अनदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम आगे चल के टच करेंगे टाइम है, तो रिलीजन एंड आर्ट। जितने भी रिलीजन्स हैं दुनिया में वो पोएटिक हैं, प्रोजेक्ट रिलीजन दुनिया में आज तक कोई नहीं है, नसरी मजहब नहीं होता, मजहब सारे शायरी वाले पोएटिक होते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई होली कुरान इज़ नॉट पोएट्री, नहीं है, या आई एम नॉट डिस्कसिंग कंट्राडिक्ट दिस व्यू, लेकिन इट साउंड्स लाइक पोएट्री। इसकी जो पढ़ने का तरीक़ेकार और ये जो जिस तरीके तरफ तलावत करते हैं, तो इस पोएटिक फॉर्म लग रहा है। इसी तरीके से बाइबल और इस तरीके से गीता और इस तरीके से आपकी रामायण, उस तरीके से यूनान के रिलीजन जितने भी, इस तरीके से आपका सिखिज़म, गुरु ग्रंथ, ये सारे मजाहब हैं, ये पोएटिक फॉर्म है। आर्ट और रिलीजन दुनिया में वन थे। इंडियन कल्चर में देखें, डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, एक इबादत की एक शक्ल है। गीत गाना, भजन गाना, ये फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है। हम चलें दूसरे कल्चर्स की बात नहीं करें, अपने कल्चर, वहाँ पे चर्च में देखें तो वो पियानो बजाना, कोरस बैठ के वो मनाजात गाना, तो ये सारी चीज़ें फॉर्म्स ऑफ वर्शिप हैं। हमारे यहाँ भी नात और मौलूद, यानी ये भी आर्ट फॉर्म्स ही हैं। मजलिस आर्ट स्टाइल है, ये ट्रेजिक आर्ट है, अनदर आर्ट। तो शुरू में ये देवर वन, ये सेपरेट कैसे हुए इसको हम आगे चलेंगे। जब ये सेपरेट हुए तो रिलीजन का एटीट्यूड जो है वो आर्ट पे
जो आर्ट आर्ट पे ये सच नहीं है, वो आर्ट की वजह से इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है वो उस पे उसको कंट्रोल करना है उस एक्सपीरियंस को, तो उस वजह से फिर वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र बने किस किन किन आर्ट्स को जायज़ करार दिया गया, किन आर्ट्स को नेगेटिव करार दिया गया बिकॉज ऑफ एफेक्ट्स, क्या इफेक्ट है। जैसे कुछ चीज़ें पीने के लिए जायज़ हैं, कुछ चीज़ें पीने के लिए जायज़ नहीं है, कुछ चीज़ें खाने के लिए जायज़ हैं, कुछ चीज़ें खाने के लिए जायज़ नहीं है, हर कल्चर के अपने अपने होते हैं। बहुत सारे यानी जो जदीद दौर है 17वीं 18वीं सदी जो है, इसमें आर्ट पे एस्थेटिक्स पे बहुत सारे डिबेट्स हुई। सबसे बड़ा काम जर्मन्स ने किया एस्थेटिक थ्योरी पे, ब्यूटी की डेफिनेशन पे और आर्ट पे सबसे ज़्यादा जो काम है वो इस टाइम 200 सालों में सबसे ज़्यादा जर्मनी में जर्मन्स ने किया। टॉलस्टॉय ने भी किया, टॉलस्टॉय की एक बड़ी खूबसूरत किताब है, अगर वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे पीडीएफ में भी, व्हाट इज़ आर्ट लियो टॉलस्टॉय, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, इफ यू वांट टू रीड यू विल एंजॉय इट, कि उसने क्या किस तरीके से डिफाइन किया है किस तरीके से। सो प्लेटो और एरिस्टोटल से हम आगे कुछ बात जर्मन्स पे करेंगे, देन आई विल टॉक अबाउट थियोडोर अडोर्नो, अगेन ही वॉज जर्मन फिलोसोफर, 1970 में उसकी डेथ हुई थी। उसकी जो बुक है एस्थेटिक थियरी वो माइलस्टोन है, एस्थेटिक थियरी जो है उसका बाइबल तस्वर किया जाता है उसको दुनिया में, तो कुछ अडोर्नो पे बात करेंगे एंड देन आई विल टॉक अबाउट साइकोलॉजी थोड़ी देन ओवर। अच्छा, जर्मन में ये काम 1755 में शुरू हुआ, जे जे विंकलमैन ने किया था, उसने शुरुआत की थी आर्ट पे और ब्यूटी पे और एस्थेटिक पे लिखने की। ये मॉडर्न लव्स जो एस्थेटिक है जो इस पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल हो रहा है यानी एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी के सेंस में, ये थैंक्स टू जर्मन्स, उसी ने उन्होंने ही ये लफ्ज इस पैराए में इसी इस चीज़ के लिए इस पर्टिकुलर तजुर्बे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था एस्थेटिक एक्सपीरियंस। देन उसके बाद जो बड़ा काम था वो लेसिंग ने किया था, कांट इनका बाबा था, बाबा आजम, उसने जो बुक लिखी थी क्रिटिक ऑफ द पावर ऑफ जजमेंट 1790 में, तो ये बुनियादी तौर पे आर्ट और उसके एक्सपीरियंस पे लिखी हुई है। फ्रेडरिक शिलर अनदर बिग नेम, नीत्शे है, हाइडेगर है, बहुत सारे और भी जर्मन्स हैं, लेकिन इस पे जो डिटेल में काम किया था वो हेगल ने किया, फ्रेडरिक हेगल, तो कुछ चीज़ हो, बात होगी हेगल पे। अरे हेगल, जैसे मैंने आपको आर्ट इज अ ह्यूमन वर्कमैनशिप है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इज अगेंस्ट समथिंग विच इज गिवन टू अस बाय नेचर, तो ये चीज़ हमें अभी हेगल के जब बात को होगी तो उस पर थोड़ी हमें काम आएगी। हेगल ने कहा था लाइफ इज मोर एक्सप्लिसिटली रैशनल देन मियर फिजिकल मैटर, ये जो हमारी फिजिकल मैटर है जिंदगी उससे ज़्यादा रैशनल है, रैशनल मीन्स लाइफ उसमें थाट मौजूद है, दिस इज थॉटलेस, बिकॉज इट इज मोर एक्सप्लिसिटली सेल्फ डिटरमिनिंग। सेल्फ डिटरमिनिंग क्या होती है विल टॉक उस पर आएंगे। लाइफ इट सेल्फ बिकम्स मोर एक्सप्लिसिटली रैशनल एंड सेल्फ डिटरमिनिंग वैन इट बिकम्स कॉन्शियस ऑफ एंड सेल्फ कॉन्शियस ऑफ इट सेल्फ। Life that can imagine, use language, think, and exercise freedom. Such self-conscious life is spirit. जिसको हेगल एक फिलोसॉफी में पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करता है गाइस्ट। आम जो लाइफ है अनसेल्फ कॉन्शियस लाइफ फॉर हेगल इज ई डे, जिसको हम आइडिया कहते हैं। सेल्फ कॉन्शियस लाइफ फॉर हेगल इज स्पिरिट गाइस्ट, ये दोनों चीज़ों में आप फर्क समझें। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होती है, एक चीज़ हम देखते हैं कि बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो दोस्त कम होते हैं, इन्हें वो रीज़न है, कोई रीज़न समझ में आता है ऐसा क्यों होता है। जब बच्चे होते हैं तो सारी क्लास हमारी दोस्त होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर दोस्त कम बहुत कम हो जाते हैं, 2-4-5 दोस्त हैं आखिर में, जब मरते हैं इतने बचते हैं। तो
माना सही गल है माना में जी जी असं वा तो असा इंट्रस्ट मखसूस वा जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे बहुत सारे इंट्रस्ट होते हैं, हर चीज़ में हमारा इंट्रस्ट होता है। जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे इंट्रस्ट मखसूस होते जाते हैं, किन खास चीज़ों में हमारी दिलचस्पी होती जाती है। और फिर जैसे आपने कहा कि दिलचस्पी की बुनियाद पर फिर हमारे वो हल्का अहबाब जुड़ता है और फिर वहाँ के दोस्त आ गए, तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या होते जा रहे हैं, ज़्यादा डिटरमाइंड होते जा रहे हैं, ज़्यादा डिटरमिनेशन हम अडॉप्ट करते रहते हैं। अब इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप पानी और चाय को और शरबत को कंपेयर करें तो ज़्यादा डिटरमाइंड चाय है, पानी उसकी एक डिटरमिनेशन है यानी एक उसकी लिमिट है, इट्स वाटर, इट्स नॉट स्टोन, इट्स नॉट वुड, इट्स नॉट कॉटन, इट्स वाटर, ये इसकी एक डिटरमिनेशन है। लेकिन शरबत आप अब उस पानी से बनाते हैं तो इसकी दो डिटरमिनेशन होती है, इट इज वाटर प्लस समथिंग स्वीट। अच्छा, अब ये उस डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे पानी से अलग भी हो गया, मखसूस पानी हो गया। चलें अब आप उस समथिंग स्वीट के साथ उसमें पत्ती और दूध भी डाल देते हैं तो बिकम्स चाय, हमारी देसी चाय। प्यारी दो चाय उस रोको नहीं कैंटीन बंद है, बंद है चावल गुठा खड़ी जाओ तो दैन नाउ इट बिकम्स टी। तो ये ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई एज कम्पेयर टू वाटर, एज कम्पेयर टू शरबत, एज टी जो है वो ज़्यादा डिटरमाइंड है। अच्छा, जितनी जितनी ज़्यादा डिटरमिनेशन होती जाती है उतनी चीज़ की आइडेंटिटी ज़्यादा नुमाया होती जाती है। अब हम जब बच्चे थे तो हमारी आइडेंटिटीज़ इतनी नुमाया नहीं थी कि हम क्या हैं क्या नहीं है क्या कर, जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटीज़ ज़्यादा नुमाया और ज़्यादा मौसर होती जाती है। तो हेगल के मुताबिक हम जैसे जैसे इंटेलेक्चुअली डेवलप करते हैं हम ज़्यादा शौरी बुनियाद पे डिटरमाइंड होते जाते हैं। यानी अगर मैं बच्चा हूँ तो मेरे मुझे नहीं पता खेल में भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, उसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, शौरी तौर। जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि शौरी तौर पे मेरे क्या क्या इंटरेस्ट है, किन किन चीज़ों में मेरी दिलचस्पियाँ हैं, तो आई एम बिकमिंग मोर डिटरमाइंड, मोर डिटरमाइंड, मोर डिटरमाइंड। सेल्फ डिटरमिनेशन का मतलब ये होता है कि इंसान खुद अपनी सरहद खुद अपने लिए चूज करे। हमारी जो सरहदें हैं वो बाहर से चूज होती हैं, आम लोग जो होते हैं उनको दूसरे बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और जब वो दूसरे नहीं होते तो फिर वो कुछ करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने एक स्टोरी बनाई है, बताइए एक शेपर्ड की, रढ़ा रहे हैं चरवा, कि वो चरवा बाज़ाहिर बड़ा शरीफ अच्छा इंसान था, भेड़े वेड़े चराता था और अचानक कहीं से उसको एक अंगूठी नजर मिल गई जादुई, वो अंगूठी को ऐसे करता तो गायब हो जाता। तो जो बाज़ाहिर बड़ा अच्छा बंदा था उस अंगूठी जब उसको मिली तो उसने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, खजाने उड़ाने शुरू कर दिए, बादशाह के महल में घुस गया, बादशाह को कत्ल कर दिया, खुद बादशाह बन के बैठ गया। तो प्लेटो ने ये कहा है कि वो अच्छा था या वो हमें नज़र आता था खाली अच्छा था, वो इस वजह से अच्छा था क्योंकि दूसरे देख रहे हैं कि मैं देखो अगर कुछ करूँगा तो दूसरे, यानी अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे आपको चीज़ अच्छी लगती है आप कहते हैं कि यार मुझे उठा लेनी चाहिए, लेकिन आपको खौफ आता है कि बंदा देख रहा है या CCTV कैमरा लगी है, तो यू आर गुड, आप अच्छे हैं या आप होशियार हैं, यानी आप खबरदारी का मुजाहरा कर रहे हैं या अच्छाई का मुजाहरा कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, यू आर जस्ट खबरदार, यू आर जस्ट प्रूडेंट, और जब वो CCTV कैमरा नहीं होगी तो आप उची उठा लेंगे क्योंकि आपने अपनी अच्छाई की सरहद खुद तय नहीं की कि मेरी अच्छाई मुझे रोकेगी कि मैं गलत काम ना करूं, मेरी अच्छाई दूसरा मुझे कोई बता रहा है कि भाई मैं हूं तो तब तक तुम अच्छे हो नहीं तो नहीं हो। हमारी सोसाइटी में जो हमारी जो अखलाकियात तो ये सारी चीज़ होती, गॉड इज़ ऑल्सो कॉस्मिक CCTV कैमरा के आप सारी खुदा की आंख देख रही है, तो हमें ये बताया जाता है कि आप गलत काम करेंगे कोई नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है, तो अच्छा होने के लिए कोई आपको देखे ना देखे आप अच्छे हैं। और आपको अगर बहुत सारा चांस हो गलत काम करने का, सिर्फ आप खुद को इजाज़त नहीं दे रहे गलत काम करने की, तो देन यू आर, आपने डिटरमाइन
हैं, आपने अपनी हद अच्छाई की और बुराई की खुद तय की है, तो सेल्फ डिटरमिन ये होता है, डिटरमिनेशन ये होती है कि मैं अपनी जो मेरा वजूद है, जो मेरी सोच है, उसको मैं खुद तय करूँ कि ये क्या है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम लोग करते हैं। जिसको यहाँ पे मुख्तियारकार बनना होता है वो डॉक्टर बन जाता है, जिसको डॉक्टर बनना होता है वो SHO बन जाता है। अब्बा ने कहा है भाई, स्टूडेंट से पूछता हूँ अंग्रेजी में क्यों आओ, बस घर वालों से, घर वालों ने कह दिया। इनसे भी पूछा ना, ये भी यही जवाब देंगे, घना मोड़ ये जवाब देंगे, क्योंकि हमारी डिटर्मिनेशन बाहर से एक्सटर्नल होती है। और ये जो लाइफ है इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फ्रीडम, ये आज़ादी की अहल नहीं है। इस लाइफ को एगल कहता है ईडे, यानी हम हैं बस, और ये हमारी डिटर्मिनेशन के मत हैं, जनरली हम हैं बस। स्पिरिट जो है, जिसको गाइस्ट जर्मन कहता है, एगल कहता है, वो है जो सेल्फ डिटरमाइंड बीइंग है। और हेगल कहता है जो ब्यूटी है इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ गाइस्ट, जो सू है आर्ट जी ब्यूटी, इंसानी ठल ब्यूटी, वो पेंटिंग की हो, लिटरेचर की हो, अदब में हो, स्कल्पटिंग में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, वो जो ब्यूटी है वो एक सेल्फ डिटरमाइंड बीइंग की अंदर की आज़ादी का इजहार है। दिस इज हाउ हेगल डिफाइंस ब्यूटी। अच्छा, हेगल्स डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, भाई वो ब्यूटी तो हम बीच बीच पे जाते हैं और सनसेट देखते हैं, ये भी नज़र आता है, खूबसूरत है। हेगल नेचुरल ब्यूटी और ये जो आर्ट है, जैसे हमने पहले कहा था, आर्ट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, इसमें एक डिस्टिंक्शन करता है। फॉर हेगल नेचुरल ब्यूटी इज फॉर्मल ब्यूटी बिकॉज इट लैक्स फ्रीडम, स्पिरिट की ब्यूटी नहीं है वो, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पिरिट। गाइस्ट की फ्रीडम जो है उसकी अंदर की आज़ादी का इजहार नहीं है। अब शाह लतीफ़ की जो शायरी है वो किस चीज़ का इजहार है, वो उसकी अंदर की आज़ादी का इजहार है। जितने भी दुनिया के बड़ी, क्योंकि माय सब्जेक्ट इज लिटरेचर तो मुझे ज़्यादा मिसाल वही समझ में आएंगे, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, आप पिकासो लें तो वो किस चीज़ का इजहार है, कलर तो सबके पास है, बचपन से हम खेलते आते हैं, तो उसकी जो ये चीज़ है तो किस चीज़ का इजहार हो रहा है, ये वो सेल्फ डिटरमाइंड बीइंग है, उसकी जो स्पिरिट है उसकी वसअत का इजहार हो रहा है, उसकी आज़ादी की हद कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी आज़ादी वो अपने अंदर समेट के बैठा हुआ है। माइकल एंजेलो आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हेगल कहता है कि ये जो एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि ब्यूटी जो है वो इज एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, तो उसको जो आम बीइंग है ईडे वाली, जो सेल्फ डिटरमाइन नहीं है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, वो समझ नहीं सकती वो है क्या। आप किसी मुख्तियारकार को पिकासो की पेंटिंग भी आगे खड़ा कर दें, वो हो गया सोचिए है पिकासो जी वो जो ठीक कह रहा है हलोगा जामसुरे जामसुरे के सिचो को दिखाते हैं आपकी आर्ट्स की डिजाइन से, यार वंदाला चा सजो ये तो हलो थाने दे नी कमको अच्छा बैठा कर नन्ना इन जे घर में ये थिंदो पंजी माओ पी उए चंदा नी छा बैठा करनी छो गंद के साफ कयो इनके बच्चों को रोकते हैं कि भाई दीवारें यार अभी पेंट कराई हैं तुम, वो पता नहीं क्या क्या बच्चे उस पे कलर करते हैं ना, उनको तो सारी दुनिया कैनवस होती है बच्चों के लिए, वो कलरिंग करते रहते हैं बारन के दां दियो ना पेंसिलों काश लिखण आई चाक नंढो हूंदो त असां ॿार शौक़ सां घुराईंदा चाक, असांजे रंगीन रण जो चाक फर्श ते लीका ई लीका ई लीका अर्लीएस्ट जो हिस्ट्री है इंसान की, उसमें तो इंसान ये किया है ना, केव्स में जो चीज़ आई उस पर वो मलते हैं, उस पर पता नहीं जब कोई शक्ल बन गई जानवर के खून में हाथ डबो के वो लगा दिया। प्री इस्लामिक जो रस्म है वो काबे के पे भी यही होता था, जिस पर होली प्रॉफिट ने आके और पाबंदी लगा दी कि जानवर जो कुर्बान होते थे हज पे, फिर उसके खून से जो है वो हाथ डबो के और काबे पे लगाते थे। इसी वजह से वो कुरान में है कि आपकी वो नीयत आ गई कुर्बानी की, आपके खून की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये पुरानी रसूमात थी जो हज़ारों सालों से रहती हैं। तो हेगल कहता है कि जो परसेप्शन ऑफ ब्यूटी है और ब्यूटी के एक्सपीरियंस से गुजरना, वो भी क्योंकि एक फ्री स्पिरिट की क्रिएशन है ब्यूटी, तो कोई दूसरा फ्री स्पिरिट ही उसको अप्रिशिएट कर सकता है। इस पे रूमी ने एक बड़ी अच्छी लिखी है, जब
रूमी का दोस्त चला गया तो यानी उसकी डेथ हो गई, लोग कहते हैं कि मर्डर हो गया शम्स तबरेज़ का। फिर एक स्टूडेंट था रूमी का, बहुत ज़्यादा अरसा उसके साथ रहा, फिर उसने रूमी ने उसने रूमी को ये अर्ज पुरश किया लगातार कि आप मसनवी लिखें। तो रूमी एक दफ़ा जो बैठे बैठे उसके जो बेसाख्ता उसकी ज़बान से जो कलाम निकला वो मशहूर कलाम है नए जिसको कहते हैं बांसुरी, सॉन्ग ऑफ द रीड उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा बांसुरी का गीत। उसकी जो ये जो क्योंकि वो एगलवारी बात से जुड़ी हुई चीज़ है तो सजा बाशनो अज नए चूँ शिकायत मी कुनत कि बांसुरी को सुनो कि वो क्या शिकायत कर रही है। शिकायत का यह मतलब होती है कि सदा वो दर्द की जो चीख होती है ना वो अंदर इदा अंदर उधमो, जब हम इंसान तकलीम होता है तो चीखता है, तो कहता है कि बांसुरी को देखो उसके अंदर में क्या है कि वो इस तरीके से चीख रही है। अज जुदाई हा किस शिकायत मी कुना, वो दरअसल अपनी जुदाई का किस्सा बता रही है कि वो अपने महबूब से अपने यार से अपने दोस्त से जुदा है, और ये वो उसकी जो बांसुरी का जो अलाप है वो असल में वो जुदाई का किस्सा है जो सुना रही है। ये जो दो लाइनें हैं वो सैगल वाली बात से बड़ी मैच कर रही हैं। कह रहा है कि सीना ख्वाम शरा शरा अजफरा, ऐसा कोई सीना चाहिए जो जुदाई के दर्द में टूट चुका हो, टूटा हुआ हो। ताब गोयम शरा दर्द इश्तियाक, तो उसी सीने को जो है मैं बता सकूं कि जुदाई का दर्द क्या होता है। अब जिसने जुदाई देखी नहीं है समझेगा वो, तो उसको क्या समझ में आएगा कि जुदाई का दर्द क्या होता है। तो वो उसके लिए तो ये बांसुरी तो पता नहीं क्या है, जैसे नहीं ना भैंसों के तीन बजाना रिडना के रुबाब बजने वाले दिया हाँ वजह, तो उसका मतलब ये कि वो सीना चाहिए जिसमें दर्द हो, तो ये दर्द की अलाप जो है बांसुरी वाली वो सीना समझ सकता है, बाकी दूसरे नहीं। ऐसे ही नेटशे ने भी कहा था कि जब नेटशे ने किताबें लिखी तो उसके दोस्त से ज़्यादा एडवांस थी, तो उसने कहा था कि माई टाइम इज माई माउथ डज नॉट बिलोंग टू दीज ईयर्स, मेरा मुंह जो है वो इन कानों के साथ कोई इनका वास्ता ही नहीं है। माई टाइम इज़ नॉट येट कम, मेरा वक्त अभी नहीं आया। समार बान पोस्ट मसली, कुछ लोग मरने के बाद जिंदा होते हैं, तो नेटशे एग्जैक्टली ऐसे हुआ, मरने के बाद जिंदा हुआ बहुत सारे लोग, इवन शेक्सपियर। अभी बहुत ज्यादा है एगल और स्पेडोर्नो पे, तो मैं कहता हूँ कि अभी इसको बंद करें। आप एक लाइन आपको चीज जो फाइन उसको, तो मैं आई एम स्किपिंग लॉट्स ऑफ कीट्स का जो मटका होता है ना उस पर वो पेंटिंग की हुई थी, उसको देख के फिर उसने जो तजुर्बा महसूस हुआ क्या महसूस किया, उसमें एक ओड लिखा था, हाँ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ओड, ओड टू ग्रीष्म। उसकी जो कुछ लाइनें वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने खैर है लास्ट लाइन्स हैं, वो कह रहा है कि हम इंसान, क्योंकि वो यूनान से 3000 साल पुराना था, कितने नस्ल आए कितने गए बादशाह ये वो, उसने कहा कि लाइफ हमें ये सिखाती है कि नथिंग इज़ परमानेंट, और ये लाइफ की कौन सी चीज़ सिखा रही है, तुम सिखा रहे हो यू आर परमानेंट, वो जो आर्ट है उसको तुम मुझसे हमें सिखा रहे हो, बता रहे हो कि ये जो अब हमारी जनरेशन है ये बूढ़ी हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी, तो तुम एक मैसेज दे रहे हो हमें इंसान को, वो जो ग्रीशन अर्न को कह रहा है कि यू आर गिविंग अस अ मैसेज, एंड व्हाट वाज द मैसेज, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल, सच खूबसूरती है, खूबसूरती सच है, दैट इज ऑल, यही है सब कुछ, यही नो ऑन अर्थ, यही चीज है जो आपको आप यही नॉलेज होनी चाहिए जो आपको होनी चाहिए धरती पे, सच खूबसूरती है, खूबसूरती सच है, एंड ऑल यू नीड टू नो, और इसी नॉलेज की आपको ज़रूरत है। wow. अच्छा ब्यूटी और ट्रूथ जो है और गुडनेस, ये क्यों साथ, जैसे इमरान खान ने हमें हुडविंग किया, हम समझते हैं कि स्मार्ट वज़ीर आज़म है तो अच्छा भी होगा, और अच्छा भी है तो यानी एबल भी होगा, तो ये एक बायोलॉजिकल रीज़न है,
वो मैंने डिस्कस करना था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। हम हमारी एक नफ्स बायोलॉजी में एक चीज़ साइकोलॉजी में शामिल है कि जो चीज़ हमें खूबसूरत लगती है हम उसको गुड भी समझते हैं और सच्चा भी समझते हैं और उसको हम लायक फायक भी समझते हैं। ब्यूटी हमें इंथ्राल करती है, अट्रैक्ट करती है, उसका एक रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न। बट वो जब नेक्स्ट टाइम होगी डिस्कशन तो बाकी और जो फिलोसोफर है हमने तो भी सिर्फ